दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल पे पिज़्ज़ा की काफ़ी पॉपुलर कंपनी डोमिनोज के बारे में, जो कि पिज़्ज़ा का नाम सुनते ही हर एक के मुंह में पानी आ जाता है। और इसलिए डोमिनोज आपको 30 मिनट के अंदर ही पिज़्ज़ा को डिलीवरी करने का गारंटी देती है। और ना ही सिर्फ ऐसा डोमिनोज का कहना है, बल्कि रियल लाइफ में भी डोमिनोज पिज़्ज़ा को आपके घर के 30 मिनट के अंदर ही दे देती है। और इसी कारण सिर्फ इंडिया में नहीं, बल्कि पूरे ग्लोब में अपने प्रोडक्ट और अपनी डिलीवरी के कारण डोमिनोज काफ़ी फेमस है। तो क्या आप जानते हैं कि इतने बड़े इंटरनेशनल कंपनी की शुरुआत एक सड़क से छोटे से दुकान से कैसे हुई थी? अगर नहीं, तो इसलिए आज मैं आपको डोमिनोज की पूरी कहानी शुरू से बताने जा रहा हूँ कि आखिरकार इतने बड़े इंटरनेशनल कंपनी की शुरुआत कैसे एक छोटे से सड़क के दुकान से हुई थी। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के उपसलांटी नाम के शहर में 507 नंबर के रोड पे छोटा सा पिज़्ज़ा का दुकान लगता था, और उस छोटे से दुकान के मालिक का नाम था डोमिनिक। और जैसे दुकान रोज चलती थी वैसे चलती आ रही थी। और एक दिन की बात है कि अमेरिका के दो भाई, जिसमें से एक का नाम टॉम था और एक का नाम जेम्स था, और इन्हीं दोनों भाइयों ने यह सोचा कि उस पिज़्ज़ा के दुकान को पैसे देकर खरीद लिया जाए। और उन दोनों भाइयों ने, यानी कि टॉम्स और जेम्स ने, पिज़्ज़ा के दुकान के मालिक से बात किया, यानी कि डोमिनिक से बात किया, जो कि वो उस दुकान का मालिक था। और उन लोगों ने उस दुकान का सौदा $500 में तय कर लिया था। और टॉम्स और जेम्स के पास $500 नहीं थे ताकि वो पिज़्ज़ा के शॉप को खरीद सकें, इसलिए उन्होंने $900 उधार लिए और डोमिनिक को $500 देकर 23 अप्रैल 1963 को वो छोटा सा पिज़्ज़ा का शॉप अपने नाम कर लिए थे। और अब बात कुछ ऐसी थी कि टॉम्स और जेम्स पिज़्ज़ा के दुकान को नॉर्मली नहीं चलाना चाहते थे जैसे कि पहले से चलती आ रही थी, बल्कि उन लोगों ने एक छोटे से दुकान को एक बड़ी कंपनी में बदलने के लिए सोचा। लेकिन दुकान को कंपनी में बदलने के लिए अच्छे खासे पैसे की ज़रूरत थी, या तो फिर डीलिंग की सीलिंग बहुत बढ़िया होनी चाहिए थी, जो कि ये दोनों में से ऐसा था ही नहीं। और इसलिए दोनों भाइयों ने ये सोचा कि क्यों ना पिज़्ज़ा के ऑर्डर को लेकर लोगों के घर पर खुद पहुँचा दिया जाए, जिससे कि मार्केट में शॉप को लेकर एक हाइप भी बन जाए, जो कि उस टाइम शायद ही ऐसे कोई फैसिलिटी कहीं पे अवेलेबल थी, क्योंकि मैं ये सब बात कर रहा हूँ आज से करीबन 80 साल पहले की। और उन्होंने देर नहीं किया, बस ऑर्डर को लेकर पिज़्ज़ा को घर पे डिलीवरी करने का काम शुरू कर दिया। और शुरू करते ही पिज़्ज़ा की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि शायद टॉम और जेम्स ने कल्पना भी नहीं किया होगा। और 1965 में, यानी कि 2 साल बाद ही, उन्होंने उसी शहर में पिज़्ज़ा के 2 और स्टोर खोल दिए, जो कि ये उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात थी। और इसलिए उन्होंने ये सोचा कि अब तो हमारे शहर में टोटल 3 स्टोर हो गए हैं, क्यों ना अपने स्टोर को एक ब्रांड का नाम दे दिया जाए, ताकि ब्रांड का नाम देने से कंपनी एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाती है। लेकिन डोमिनिक ने शॉप को बेचते टाइम ये भी टर्म और कंडीशन रखा था कि वो लोग कभी भी फ्यूचर में शॉप के नाम को नहीं बदलेंगे, और इसलिए टॉम्स और जेम्स का ये आइडिया फेल हो गया। लेकिन एक दिन की बात है कि उनके ही कंपनी का एक एम्प्लॉय जब पिज़्ज़ा को डिलीवरी करके वापस लौटा, तो उसने ये बोला कि क्यों ना कंपनी का नाम डोमिनोज रख दिया जाए। और ये आइडिया टॉम्स और जेम्स को काफ़ी अच्छा लगा। और जब ये बात डोमिनोज से शेयर की गई, तो उन्हें इस नाम को रखने से कोई आपत्ति नहीं थी, और इसलिए 1965 में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम डोमिनोज पिज़्ज़ा इंक के नाम से रजिस्टर्ड करवा दिया था। और इसी टाइम नाम के साथ साथ कंपनी के लोगों को भी डिजाइन करने को सोचा गया, जिसमें कि डोमिनोज के लोगों में 3 डॉट को रिप्रेजेंट किया गया था। उसका मतलब ये था कि एक ही शहर में डोमिनोज के 3 स्टोर हैं। और टॉम ने ये सोचा कि उनकी सिटी में जैसे जैसे उनकी स्टोर बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे कंपनी के लोगों में डॉट को और इंक्रीज करते जाएंगे। लेकिन उनकी ये आइडिया कोई ख़ास नहीं थी, और कंपनी ऐसे ही चलती गई। और कंपनी की अच्छी ग्रोथ होने के कारण धीरे धीरे पूरे शहर में डोमिनोज के 200 स्टोर खुल गए थे। और 12 मई 1983 को डोमिनोज अपना पहला इंटरनेशनल स्टोर कनाडा में खोला था। और 2 साल बाद 1985 में डोमिनोज ने अपना दूसरा इंटरनेशनल स्टोर यूके में इस्टेब्लिश किया गया था। और कंपनी ऐसे ही हर एक देशों में अपने स्टोर को इस्टेब्लिश करती जा रही थी, और हर एक देश में डोमिनोज अपनी उसी सर्विस को प्रोवाइड करती थी जो कि अपने कंट्री में होम डिलीवरी को देती थी। और अब बात कुछ ऐसी थी कि हर देश के सिस्टम, वहाँ की कल्चर, ट्रेडिशन एक जैसी नहीं होती है, और इसलिए बहुत सारे देशों में डोमिनोज को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जैसे कि जब डोमिनोज ने अपने स्टोर को चाइना में लॉन्च किया था, तब डोमिनोज चाइना में भी
30 मिनट के अंदर ही होम डिलीवरी का गारंटी देती थी। लेकिन जब डोमिनोज ने सर्विस को शुरू किया, डोमिनोज के साथ बहुत सारे ऐसे केस आए कि चाइना में ट्रैफिक होने के कारण डिलीवरी करना 30 मिनट के अंदर ही डोमिनोज को इम्पॉसिबल हो जाता था, और इसलिए डोमिनोज का 30 मिनट वाला गारंटी फेल हो गई थी। और यहाँ तक कि चाइना के लोग जनरली फास्ट फूड को खाने के लिए फॉर्क या तो फिर स्टिक का यूज़ करते हैं, जैसा कि चाइना में एक ट्रेडिशनल चलता आया है। और इसी कारण चाइनीज लोगों को पिज्ज़ा के साइप और शेप के कारण बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। और इसी सिचुएशन के बाद डोमिनोज किसी भी देशों में अगर अपने स्टोर को स्टैब्लिश करती है तो पहले वहाँ के कल्चर को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेती है, और इसलिए डोमिनोज की सर्विस अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से सर्व किए जाते हैं, और इसलिए डोमिनोज हर एक देशों में काफ़ी सक्सेसफुल है। तो दोस्तों, यही है डोमिनोज की छोटी सी सक्सेस स्टोरी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, अगर आप हमारे चैनल पे आएँ और अगर ऐसे और वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।